है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं मकान जौनपुर उत्तर प्रदेश से। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उमा भाई जौनपुरिया में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं अपने पड़ोसी गाँव में सलेमपुर, और सलेमपुर गाँव में आज जाने वाले हैं सांसद जी, तो उनसे मिलेंगे। सांसद हैं जौनपुर के हमारे श्याम सिंह यादव जी हैं, तो आज उनसे हम चलेंगे मिलेंगे। तो आप लोगों को दिखाएंगे अभी सर जी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वहाँ पे कितने लोग हैं, कैसे क्या कार्यक्रम हो रहा है, जो भी रहेगा हम आपको वहाँ पे चल के दिखा रहे हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं सलेमपुर गांव में। ये देखिए आदित्य जी आ चुके हैं। और आदित्य का हाल बाय? ठीक बाय। ठीक बाय, भले बाटा। चलो हमारे साथ है, हम चलते हैं सलेमपुर। सांसद जी आवे वाला है, सांसद अपने जौनपुर के श्याम सिंह यादव। हाँ चलबा का ना जावा, सही से बताओ। चला ठीक, हाँ हम चला जाके अब चलाया। ठीक बा, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं सलेमपुर में। तो अभी आदित्य में ही जा रहे हैं, आदित्य के साथ में देखिए दोस्त सब उनके आ चुके हैं। ये का नाम हो तुम्हार? आईसी। का नाम है बताओ? आईसी। तुम्हार का नाम हो? दिव्यांशु। दिव्यांशु, ये आईसी है और ये दिव्यांशु, इनको लालू लालू बोलते हैं तुमको? हाँ, इन्हें लालू कही याद है, इन्हें आईसी कही याद है। और ये हैं आदित्य, इनके सभी लोग दोस्त हैं। और एक लोग उधर देखिए कहीं, वो देखिए वो उम्मा उम्मा कहते हैं, उनका क्या नाम है? क्या नाम उनका? उम्मा। विक्रांत नाम है उनका ना। अच्छा आ गए। ए उम्मा, ए उम्मा बाबा, का नाम है तुम्हारे यहाँ रावा? का नाम है उम्मा। का नाम बताओ? उम्मा। इनका नाम उम्मा है और हमारा नाम उमा काम है ना। हाँ हम दोनों दोस्त हैं। ये देखिए ये आदित्य, लालू, आयुषी, उमा और उमा कान, ये सारी टीम हमारी ना। हम लोग चल रहे हैं घूमने सलेमपुर में। आप लोग जाइए खेलिए, हम जा रहे हैं। ठीक है, नारायण सिंह जी हैं, राजेंद्र पांडे जी हैं, बाबूराम गौतम जी हैं, आप लोग भी आइए और माल्या स्थल करके माननीय सांसद जी का स्वागत कीजिए। नमस्कार, बोलिए। एकदम ठीक है, और सब ठीक है आप? हाँ हाँ, थोड़ा चेक मैं अभी कर लूँ, अभी करता हूँ। आप कौन? ठीक है, जियालाल शर्मा। फिर तो गौतम जियालाल शर्मा, आप आइए माल्यार्पण करके माननीय सांसद जी का। यशवंत यादव, आप भी आइए भैया, माल्यार्पण करके स्वागत कीजिए माननीय सांसद जी का। उमाकांत यादव, अब भी आओ बहू। उमाकांत यादव हो गए गांव के मुखिया यादव साहब, और क्षेत्र पंचायत के सदस्य, और प्यारी मोहन, प्यारी मोहन आज पहली मुलाकात आप जी? नहीं, एक बार और हुई भूपेंद्र वाले विद्यालय हमारी। अच्छा, हमारी, लेकिन काफ़ी अर्सा जी जी बीच में अंतर हुआ था। और सबसे पहले तो अध्यक्ष जी हैं, और सभी गांव के सभी लोगों ने हमारी बहुत जल्दी करी है, जो जल्दी सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ आपका। इस बात का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा संख्या में वोट देकर मुझे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे ऊंची पंचायत में पहुँचाया। और मैं जब से गया हूँ संसद में, तब से मैं
सेशन को छोड़ के जब सेशन चलता है तो वहाँ होता हूँ मैं, पांच छह कमेटी का मेंबर हूँ, अध्ययन समिति अध्ययन दल दौरा करता रहता है तो उसमें भी टाइम जाता है, लेकिन उसको छोड़ करके सेशन और कमेटी के अध्ययन दल छोड़ के बाकी मैं यहाँ टाइम जौनपुर में ही पूरा का पूरा देता हूँ। जब नहीं था संसद तो साल में दो चार दौरे मेरे विदेश के होते थे, चार साल बीत गया वो सब छूट गया, सब खेल कूद छूट गया, तरह तरह के चीज़ें छूट गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी टाइम मुझे मिलता है, भले आज आपसे मिलने में देर हुई, और देर का एक कारण कि जो मैं टाइम टाइम से एक दिन में एक क्षेत्र करता, तो जैसे पहले बदलापुर हुआ, फिर सागंज हुआ, फिर सदर हुआ, फिर मलनी हुआ, फिर मुगरा बादशाहपुर हुआ, एक एक दिन एक एक क्षेत्र 10-12 गांव का जो चुनावी क्षेत्र है उसको करता, और जब ये सारे सेक्टर पूरे हो जाएंगे तो पूरे क्षेत्र का दौरा हो जाएगा। और क्षेत्र इतना विशाल है, 90 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, 85 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, और 3700 गाँव कुल मिला के, पूर्वा तो थोड़े मोटे छोड़ दीजिए, 3700 गाँव हमारे क्षेत्र में। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, भर तक कोशिश कर रहा हूँ कि अपना कार्यकाल खत्म होते होते, हालांकि संभव नहीं लगता क्योंकि एक दिन में 10-12 गांव करना ही बहुत भारी हो जाता है, और ये करते करते जो मैं कैलकुलेट करता हूँ कि सारा समय खत्म होने पर भी पूरा क्षेत्र एक एक गांव में शहर में नहीं जा पाऊँगा, शहर को छोड़ दीजिए तो भी इतने गांव हैं 3700 गाँव, लेकिन फिर भी अभी आपकी कोई आवाज़ हो, कोई समस्या हो, कोई भी किसी तरह की तकलीफ हो तो मुझे पहले भी अखबार में मैं निकलता है, जब मैं आता हूँ जब जाता हूँ तो अखबार में निकलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि दिखे लेकिन देर से दिखे, लेकिन जब उल्टा सवाल मैं कर देता हूँ कि हमारे पास ऐसा कोई जादू नहीं है, यंत्र नहीं है कि महीने में, दो महीने में, चार महीने में, छः महीने में सारे गाँव का दौरा कर दूँ, या तो चिड़िया की तरह उड़ी चला जाऊँ, वो भी नहीं है क्योंकि टाइम लगता है। आप सोचिए, कैलकुलेट करिए कि एक दिन में अगर आदमी लगातार 10 गाँव भी करेगा तो कितना सालों लग जाएगा। तो आपके बीच में आया हूँ, एक सिस्टम लगातार दौरा कर रहा हूँ। अभी तो कुछ लोगों के पास मैं पहुँचूंगा जब मेरा कार्यकाल खत्म होने को होगा, वो तो और कहेंगे, उनका हक करने को तो देर चाहेंगे, लेकिन मैं उनको समझाता हूँ कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो सब जगह इतने जल्दी जल्दी जाया जा सके। तो मैं अपने कार्यक्रम के तहत आपके पास आया हूँ, उसमें जो 1.5 साल का मेरा कोरोना का कार्यकाल होगा वो भी इसमें थोड़ा माइनस हो गया, क्योंकि उस समय न हम आपके पास आ सकते थे, ना आप मेरे पास आ सकते थे, और तो और मैं बहुत बीमारी से जूझ करके थे, और 2 साल कोरोना, 2 बार कोरोना से। तो संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास आया हूँ गांव में, और आपकी जो समस्याएं हैं अगर पहले से लिख पढ़ के रखते हैं कोई एप्लीकेशन तो अभी भी दे सकते हैं, नहीं तो कभी भी, हम अभी यहाँ 1 तारीख तक 1 को जाएंगे, और जब भी मैं आता हूँ मेरा प्रोग्राम निकलता है अखबार, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर तो है लेकिन आप लोग देख नहीं पाते मुझे गांव में, अखबार में, लेकिन अखबार में भी अगर नहीं देख पाते हैं तो किसी से हमारे ऑफिस में संपर्क करें तो मेरा आने जाने का पता लग जाता है। पहली को जाऊँगा, फिर संसदीय दल का दौरा है, उसके बाद 6-7 में मैं फिर 10-12 दिन के लिए आ जाऊँगा, फिर उसके बाद बीच बीच में कमेटी का दौरा होता है। तो मियाँपुर में कलेक्ट्रेट चौराहे के सामने, जहाँ आप अभी लड़ाई आदमी हर किराए पर लेकर के अपना एक आवाज और ऑफिस बनाया, हाँ डॉक्टर कुटी यादव, और मेरे न रहने पर भी, ऐसा नहीं है कि मैं न रहूँ तो कोई, मेरे न रहने पर भी वहाँ 2 PA मेरे रहते हैं, कंप्यूटर वाला रहता है, सबका एप्लीकेशन लेता है, दर्ज करता है, और कोई अर्जेंट बात होती है, कोई अर्जेंसी होता है तो मुझे तुरंत टेलीफोन से बताता है। मैं जहाँ कहीं भी दौरे पर होता हूँ, चाहे कलकत्ता हूँ, बॉम्बे हूँ, बंगलौर हूँ, कश्मीर हूँ, हर जगह समिति, तरह तरह की समिति दौरा करती रहती है, कोई अर्जेंट चीज़ होती है तो वो मुझे बताता है। इन्हीं चीज़ों के साथ आपसे मुखातिब हुआ, मिलने का मौका लगा, और आपकी कोई समस्या हो तो अपने प्रधान के माध्यम से या सीधा भी, हमारे लिए कोई माध्यम के भी, हम
कोई आदमी सीधा भी आ जाता है तो मैं उतना ही करता हूँ जितना किसी के साथ आने पर, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जलपान तो छोड़ दीजिए, क्या होता है ये परंपरा है।